सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में कक्षा 11 के फिजिक्स यानी कि भौतिकी में जो पाठ हम पढ़ रहे थे, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, उसी के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। उसके बाद कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए हम केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को शुरू करेंगे और फिजिक्स में भी एक नया पाठ किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र पाठ को शुरू करेंगे। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार, हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को जारी रखेंगे। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अचल अक्ष के परिता घूर्णी गति का कोणीय संवेग को पढ़ेंगे और उसके बाद लोटनिक गति के बारे में भी जानेंगे। तो आइए आज के पहले विषय के साथ शुरुआत करते हैं, अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का कोणीय संवेग को समझते हैं। किसी बिंदु के परितः कणों के निकाय के कुल कोणीय संवेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर उस निकाय पर उसी बिंदु के परितः लिए गए कुल बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। जब कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इस प्रकार निकाय के कुल कोणीय संवेग की व्यापक समीकरण होगा L बराबर सिग्मा I, शुरू होगा 1 से N तक, RI गुने PI। दोस्तों, प्राप्त समीकरण को सरलतम पदों में लाकर फिर पिंड के सभी कणों के लिए इसके जोड़ निकालेंगे तथा पूरे पिंड के लिए L प्राप्त करेंगे। दोस्तों, एकाकी कण के लिए समीकरण होगा L बराबर R गुना P। अब चित्र को देखिए, घूर्णन करती वस्तु के किसी विशिष्ट कण का स्थितिज सदिश OP बराबर R है, इसलिए समीकरण R बराबर OC जोड़ CP हो जाएगा, क्योंकि P बराबर MV होता है जो हम जानते हैं। इस प्रकार समीकरण हो जाएगा L बराबर
OC गुना MV जोड़ OC गुना MV। अब दोस्तों P पर कण के रेखीय वेग V का परिणाम V बराबर ओमेगा R लंबवत, जहां R लंबवत CP की लंबाई या P की घूर्णी अक्ष के लंबवत दूरी को बताता है। V कण द्वारा बनाए गए वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश है। आप इसे चित्र से देख सकते हैं। अब दाहिने हाथ के नियम द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि CP गुना V अचल अक्ष के अनुदिश है। दोस्तों घूर्णन अक्ष को काई सदिश के सदिश के अनुदिश व्यक्त करने पर हमें कुछ समीकरण मिलेगा। CP गुना MV बराबर R लंबवत ब्रैकेट में MV गुणित के सदिश बराबर M R लंबवत का स्क्वायर ओमेगा के सदिश, चूंकि V बराबर ओमेगा R लंबवत होता है। अब दोस्तों इस प्रकार हम जांच सकते हैं कि OC गुना V अचर अक्ष के लंबवत है, यानी कि Z अक्ष के अनुदिश L के घटक से LZ से दर्शाने पर हमें कुछ समीकरण मिलेगा। LZ बराबर CP गुना MV बराबर M R लंबवत का स्क्वायर ओमेगा के सदिश तथा L बराबर LZ प्लस OC इंटू MV। अब दोस्तों पूरे पिंड का कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए हमें इसके सभी कणों के लिए LI के मानों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि I का मान 1 से N तक रखना होगा। तो समीकरण कुछ ऐसा होगा, L बराबर सिग्मा LI बराबर सिग्मा LIZ प्लस सिग्मा OCI गुना MIVI। अब Z अक्ष के अनुदिश तथा लंबवत L के घटकों को हम LZ तथा L लंबवत से दर्शाते हैं। अब समीकरण कुछ ऐसा होगा, L लंबवत बराबर सिग्मा OCI गुना MIVI, जहां MI तथा VI आईवे कण के द्रव्यमान तथा वेग को बताता है तथा CI कण द्वारा बनाए गए वृत्त का केंद्र को दर्शाता है। दोस्तों समीकरण को आगे हल करने पर हमें समीकरण मिलेगा, LZ बराबर सिग्मा LIZ बराबर ब्रैकेट में सिग्मा I MI RI का स्क्वायर इंटू ओमेगा के सदिश या LZ बराबर I ओमेगा के सदिश, क्योंकि आईवे कण की अक्ष से लंबवत दूरी RI है एवं घूर्णन अक्ष की परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण होगा। समीकरण I बराबर सिग्मा MI RI का स्क्वायर। दोस्तों अब पिछले भाग के समीकरण को समय के आधार पर अवकलित करते हैं, क्योंकि के सदिश एक अचर सदिश है। समीकरण कुछ ऐसा होगा, G/dt ब्रैकेट में LZ बराबर ब्रैकेट में D/dl ब्रैकेट में I ओमेगा गुणित के सदिश। पिछले भाग के एक और समीकरण के अनुसार dl/dt बराबर टाउ होता है। अब जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा है, एक अचर अक्ष के परितः घूर्णी पिंड के लिए बाह्य बल आघूर्णी के केवल उन्हीं घटकों पर विचार करने की आवश्यकता है जो घूर्णी अक्ष के अनुदिश होते हैं, यानी कि dlz/dt बराबर टाउ के सदिश होता है और dl lambda/dt बराबर शून्य होता है। अतः अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का अचल अक्ष के लंबवत कोणीय संवेग का घटक अचर है। दोस्तों पिछले भाग के समीकरण के अनुसार d/dt गुणित I ओमेगा बराबर टाउ होता है। अब यदि जड़त्व आघूर्ण I समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है तो क्या होगा? समीकरण कुछ ऐसा होगा, d/dt गुणित I ओमेगा बराबर I dω/dt बराबर I अल्फा और टाउ बराबर I अल्फा हो जाएगा। आइए दोस्तों कोणीय संवेग का संरक्षण को समझते हैं। दोस्तों कोणीय संवेग के संरक्षण को एक अचल अक्ष के परितः घूर्णन तक सीमित रखते हैं। अब यदि बाह्य बल आघूर्ण शून्य है तो समीकरण कुछ ऐसा होगा, LZ बराबर I ओमेगा बराबर अचरांक होगा। दोस्तों
हमारे दैनिक जीवन में कोणीय संवेग के बहुत सारे उदाहरण को देखने को मिलता है। इसे आप अपने मित्र के साथ मिलकर यह प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक घुमाओ कुर्सी पर बैठिए और अपनी भुजाएं मोड़े रखिए और पैरों को जमीन से ऊपर उठाकर रखिए। अपने मित्र से कहिए कि वह कुर्सी को तेजी से घुमाए, जबकि कुर्सी पर्याप्त कोणीय चाल से घूम रही हो। अब आप अपनी भुजाओं को क्षैतिज दिशा में फैलाइए तो परिणाम क्या होगा दोस्तों? आप यह महसूस करेंगे कि आपकी कोणीय चाल घट जाती है। अब यदि आप अपनी भुजाओं को फिर शरीर के पास ले आए तो कोणीय चाल फिर से बढ़ जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोणीय संवेग का संरक्षण स्पष्ट होता है। आइए दोस्तों कोणीय संवेग के संरक्षण के कुछ उदाहरण चित्र से समझते हैं। एक सर्कस का कलाबाज और एक गोताखोर इस सिद्धांत का बखूबी लाभ उठाते हैं। इसके अलावा स्केटर्स और भारतीय या पश्चिमी शास्त्रीय नृतक जब तक पैर के पंजे पर घूर्णन करते हैं तो वे उस सिद्धांत संबंधी अपने असाधारण प्रावीण्य का प्रदर्शन करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों लोटनिक गति के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में दिखाई पड़ने वाली सर्वाधिक सामान्य गति लोटनिक गति होती है। यातायात में इस्तेमाल होने वाले सभी पहियों की गति लोटनिक गति होती है। दोस्तों हम पहले यह जान चुके हैं कि लोटनिक गति घूर्णन एवं स्थानांतरण का संयोजन होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और हम यह भी जानते हैं कि कणों के किसी निकाय की स्थानांतरण गति उसके द्रव्यमान केंद्र की गति होती है। आइए दोस्तों लोटनिक गति को चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों एक समतल सतह पर एक चक्की की लोटनिक गति चक्की का द्रव्यमान केंद्र VCM वेग से चलता है। अब चक्की C से गुजरती अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब दोस्तों VCM बराबर R ओमेगा होता है, जहां R चक्की की त्रिज्या होती है। अब P नोड पर घूर्णन के कारण रेखीय वेग VR स्थानांतरीय वेग VCM के ठीक विपरीत दिशा में है, और यह VR बराबर R ओमेगा होता है, जहां R चक्की की त्रिज्या होती है। यहाँ P नोड तात्क्षणिक रूप से विरामावस्था में है और समीकरण VCM बराबर R ओमेगा होता है। अतः किसी चक्की या बेलन की बिना फिसले लोटनिक गति की शर्त है, जिसे समीकरण से कुछ ऐसे लिखे जा सकते हैं VCM बराबर R ओमेगा। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि चक्की के शीर्ष बिंदु P1 के वेग V1 का परिमाण है और VCM प्लस R ओमेगा या 2VCM और इसकी दिशा समतल सतह के समानांतर। आइए दोस्तों लोटनिक गति की गतिज ऊर्जा को समझते हैं। दोस्तों लोटनिक गति की गतिज ऊर्जा कणों के निकाय के विशिष्ट स्थिति को दर्शाती है, जिसके अनुसार हम निकाय की गतिज ऊर्जा यानी कि K को द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा यानी कि mv²/2 और निकाय के द्रव्यमान केंद्र के परितः गति की गतिज ऊर्जा K' के योग के रूप में समझते हैं। अर्थात समीकरण होगा K K′mv²/2। अब दृढ़ पिंड के लिए K′iω²/2 है, जहां I एक सरोकारी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण को बताता है। इस प्रकार लोटनिक गति करते पिंड के लिए समीकरण कुछ ऐसा होगा K=1/2iω²/1/2mvcm²। अब दोस्तों I=mk² समीकरण में प्रतिस्थापित करें तो हमें नया समीकरण मिलेगा K=1/2×mk²vcm²r²/1/2
एम वी सी एम का स्क्वायर या के बराबर 1/2 एम वी सी एम का स्क्वायर ब्रैकेट में 1+k²/r²। इस प्रकार दोस्तों हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों सबसे पहले हम अचल अक्ष के परिता घूर्णी गति का कोणीय संवेग को समझा और उसके बाद लोटनिक गति के बारे में भी जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों अगली वीडियो में हम अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति का प्रश्न अभ्यास को करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आयनन एंथैल्पी से। आंतरिक डी कक्षकों के भरने के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण श्रेणी में बाएं से दाहिनी ओर बढ़ने पर संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है।
संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन असंक्रमण तत्वों की श्रेणी से कम होता है। 3D श्रेणी की धातुओं की प्रथम आयनन एंथैल्पी की अनियमित प्रवृत्ति का यद्यपि कोई खास रासायनिक महत्व नहीं है, फिर भी यह स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने से 4s तथा 3d कक्षकों की अपेक्षित ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है। हम जैसे जैसे 3D श्रृंखला के आवर्त में बढ़ते हैं तो स्कैंडियम से जिंक की ओर जाने पर नाभिक का आवेश बढ़ता है, परंतु इलेक्ट्रॉन आंतरिक उपकोश के कक्षक यानी 3D कक्षक में जाते हैं। यह 3D इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए नाभिक आवेश से उस स्थिति के मुकाबले कुछ अधिक प्रभावी ढंग से परिरक्षित कर सकते हैं, जिसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को परिरक्षित करते हैं। अतः परमाणविक त्रिज्या कम तेजी से घटती है, इसलिए 3D श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनी ऊर्जा में मामूली वृद्धि होती है। दो या अधिक धन आवेश वाले आयनों का विन्यास d^n होता है तथा 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सामान्यतः द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान में नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति की अपेक्षा होती है, क्योंकि एक d इलेक्ट्रॉन दूसरे d इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आवेश के प्रभाव से परिरक्षित नहीं करता। इसका कारण d कक्षकों की दिशा का भिन्न होना है। आयनन एंथैल्पी का मान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर आकर्षण, दो इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण और विनिमय ऊर्जा पर निर्भर करता है। ऊर्जा स्तर के स्थायित्व के लिए विनिमय ऊर्जा उत्तरदायी होती है। विनिमय ऊर्जा अपभ्रष्ट कक्षकों में समदिश प्रचकरणों के कुल संभव युगलों के लगभग समानुपाती होती है। जब अपभ्रष्ट कक्षकों में अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो निम्नतम ऊर्जा वाला स्तर वह होता है जिसमें अधिकतम कक्षकों में समदिश प्रचकरण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारा हुंड का नियम है और ये आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा अपने तीसरे अध्याय में, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर था। विनिमय ऊर्जा का हल्स होने से स्थायित्व बढ़ता है और स्थायित्व बढ़ने से आयनन कठिन हो जाता है। d^6 विन्यास में विनिमय ऊर्जा का हल्स नहीं होता। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं। अभी आपके सामने जो चित्र आया है वो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंगनीज का जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4s2 3d5 होता है। अगर मैंगनीज से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन उसके 4s सबशेल से निकलता है, तो Mn+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो 4s1 3d5 बनता है। वहीं हम बात करें Cr की, जो कि क्रोमियम है, क्रोमियम का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता है। अगर आप यहाँ पर Cr+ बनाओगे तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और Cr+ बन जाएगा। अब अगर आप देखो तो Cr+ में जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 होगा, जो कि एक हाफ फिल्ड शेल है और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करता है क्रोमियम प्लस आयन को। वहीं अगर आप बात करो तो मैंगनीज का जो Mn+ आयन बना उसमें जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो 4s1 3d5 था, तो यहाँ पर 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, क्रोमियम स्टेबल है, स्टेबल होने की वजह से उसकी जो आयनन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होगी Mn+ के मुकाबले। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। अभी आपके सामने एक टेबल आई होगी, इसमें स्कैंडियम से लेके जिंक तक जितने भी हमारे प्रथम श्रेणी के एलिमेंट होते हैं उन सबके जितने भी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि स्कैंडियम में +3, उसके बाद वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ते जाते हैं। स्कैंडियम में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद है
उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का नंबर है वो बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और आखिरी में जब हम जिंक में पहुंचते हैं तो दोबारा से हमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाले तत्व संक्रमण श्रेणी के मध्य में या इसके निकट स्थित हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मैंगनीज जो है वो +2 से +7 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम पाई जाती है। इसका कारण तत्वों में परित्याग्य या साझेदारी के लिए कम इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता अथवा तत्वों के संयोजकता कोश में डी इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या है। इस प्रकार प्रथम श्रेणी के आरंभ में स्कैंडियम वास्तविकता में अज्ञात है तथा Ti2 या Ti3 की तुलना में Ti4 अधिक स्थायी है। श्रेणी के दूसरे छोर पर जिंक की एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो कि संक्रमण तत्वों की एक विशेषता है का कारण है अपूर्ण डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से प्रवेश करना जिससे इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक का अंतर बना रहे। ये हमने बात करी ऑक्सीकरण अवस्था की। अब हम बात करेंगे M2+/M मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियों की। तो अभी आपके सामने एक टेबल आया होगा, इसमें Ti से लेके जिंक तक जितने भी हमारे प्रथम श्रेणी के एलिमेंट होते हैं उनमें जो Mn2 से Mn में जाने का मानक इलेक्ट्रोड विभव लगता है उसकी वैल्यू उस टेबल में आपको दी हुई है। आप यहाँ पर वेरिएशन देख सकते हैं और इस वेरिएशन को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जनरली इसका जो ट्रेंड होता है वो कुछ एक फिक्स ट्रेंड नहीं होता। आप देख सकते हैं पहले ये नीचे की ओर जाते हुए घट रहा है और फिर क्रोमियम से जब हम मैंगनीज में जाते हैं तो ये बढ़ता है, फिर घटता है और फिर घटता ही चला जाता है और फिर ये निकल के बाद दोबारा से बढ़ना शुरू होता है। इसका एक ग्राफ भी आपकी बुक में मौजूद है, आप चाहें तो उस ग्राफ को भी जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे M3+/M2+ मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियों की। इसका भी कुछ सेम ही ट्रेंड होता है। आप देख सकते हैं M3+ से M2+ के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव हैं वो Ti से लेके कोबाल्ट तक ही मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं Ti के बाद ये कम होता है, वेनेडियम में कम होता है, फिर वेनेडियम के बाद ये बढ़ना शुरू होता है और फिर ये मैंगनीज तक बढ़ता है, उसके बाद कम होता है और फिर बढ़ता है। तो इसका भी कोई एक फिक्स ट्रेंड नहीं है। आप चाहें तो इन वैल्यूज को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और आप इस पर बेस्ड एक ग्राफ भी बना सकते हैं जिससे आपको इसकी जो प्रवृत्ति है वो और अच्छे से दिखेगी। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में पढ़ा और आखिरी में मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियां पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूं मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ आई होंगी और यह सुझाव दूंगा कि आप इन चीज़ों को दोबारा से रसायन विज्ञान की NCERT से पढ़िएगा। आने वाली वीडियो में हम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियां पढ़ेंगे और अन्य भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का दूसरा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे गोलीय दर्पण को और जानेंगे इन दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है और इन दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम दर्पणों की बात करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, जिनसे होने वाले प्रकाश के परावर्तन को हमने पिछले वीडियो में जाना था और देखा था कि इस प्रकार के दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के दर्पण जो कहे जाते हैं गोलीय दर्पण, जो कि दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोस्तों, उत्तल दर्पण में दर्पण की दबी हुई सतह को पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे उसकी उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। दोस्तों, किसी चम्मच की उभरी हुई सतह को अगर आप अपने सामने रखेंगे तो वह एक उत्तल दर्पण के जैसे कार्य करेगी। दूसरे प्रकार के दर्पण जो कहे जाते हैं अवतल दर्पण, उनमें उभरी हुई सतह को पॉलिश कर दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है, जैसे कि चम्मच की दबी हुई सतह एक अवतल दर्पण जैसी होती है। तो दोस्तों, इन दोनों ही प्रकार के दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त बिंब की प्रकृति वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है और इसी कारण से अलग अलग दूरियों पर अलग अलग प्रकार के बिंब बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसे, दर्पण से कितनी दूरी पर और किस प्रकृति के बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तल दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की, जिसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु दर्पण से अत्यधिक दूर यानी कि लगभग अनंत दूरी पर है। तो ऐसे में अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश किरण प्रकाशिक अक्ष के समांतर होंगी और ऐसी किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रकाश तो परावर्तित होकर वापस लौट जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आप देखें तो यह दर्पण के पीछे यानी कि पॉलिश हुई सतह की ओर होता है। तो ये किरणें दर्पण के अंदर नहीं जाती, किंतु यदि हम परावर्तित होती किरणों को इस दिशा में बढ़ाएं
कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो ऐसे में हम देखते हैं कि ये किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी कि प्रतिबिंब इस फोकस पर ही बनेगा। और क्योंकि इस बिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है, अर्थात हमें केवल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये किरणें आपस में मुख्य फोकस पर मिलती हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब एक आभासी प्रतिबिंब होगा जिसका आकार बहुत ही ज्यादा छोटा यानी कि बिंदु आकार का होगा। इसके अतिरिक्त ये प्रतिबिंब सीधा होगा। अब मान लीजिए कि हमने वस्तु को अनंत दूरी से उठाकर दर्पण के सामने कहीं रख दिया है, तो इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होने के साथ साथ वस्तु से छोटा होगा, और ये प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस F के बीच में कहीं बनता है। दोस्तों, अगर हम उत्तल दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग देखें, तो ये दर्पण गाड़ियों में पार्श्व दर्पण के तौर पर उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब सीधे होते हैं और बिंब का एक छोटा आकार होने के कारण एक छोटे से दर्पण से काफी क्षेत्र को इनमें देखा जा सकता है। आइए अब जानते हैं दूसरे प्रकार के गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण द्वारा होने वाले प्रकाश के परावर्तन को। इसमें भी हम मान लेते हैं कि वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है, तो इसमें हम सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण है जिसमें ये एक प्रकाशीय कक्ष है जिस पर मुख्य फोकस F और प्रकाशिक केंद्र C है। अब एक ऐसी वस्तु की कल्पना करते हैं जो कि अनंत दूरी पर है, जैसे कि सूर्य। तो दोस्तों, ऐसे ही किसी अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाशिक अक्ष के समांतर होती हैं, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यानी कि इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो वास्तविक होता है क्योंकि इस प्रतिबिंब को दर्पण के फोकस पर कोई पर्दा लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक होने के साथ साथ ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और यदि इसका आकार देखें तो ये प्रतिबिंब बहुत ही छोटा यानी कि बिंदु के आकार का होता है। आइए अब दूसरी स्थिति लेते हैं जिसमें हम वस्तु को अनंत दूरी से हटाकर किसी निश्चित दूरी यानी कि वक्रता केंद्र C से परे रखते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है, और ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है और इसका आकार वस्तु से छोटा होता है। आइए दोस्तों, अब तीसरी स्थिति लेते हैं जिसमें हम वस्तु को दर्पण के और पास यानी कि वक्रता केंद्र C पर रखते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर ही बनता है जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है, और ये प्रतिबिंब भी उल्टा बनता है। इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। आइए अब बात करते हैं चौथी स्थिति की, जिसमें हम वस्तु को दर्पण के और पास यानी कि वक्रता केंद्र C से आगे अर्थात C और F के बीच में कहीं पर रखते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब C से पीछे बनता है जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है, और ये प्रतिबिंब भी उल्टा बनता है। इसके अलावा इसका आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के समीप लाते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता जाता है। आइए अब बात करते हैं पांचवी स्थिति की, जिसमें हम वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस F पर रखते हैं। इस स्थिति में प्रकाश किरणें परावर्तित होकर एक दूसरे के समांतर आती हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि ये किरणें कहीं अनंत दूरी पर जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी कि इस स्थिति में प्रतिबिंब बहुत दूर यानी कि अनंत दूरी पर बनता है,
जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है और ये प्रतिबिंब भी उल्टा बनता है और इसका आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। आइए अब जानते हैं छठी और अंतिम स्थिति, जिसमें हम वस्तु को दर्पण के बेहद पास यानी कि मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच कहीं मान लेते हैं। इस स्थिति में प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे से दूर जाती दिखाई पड़ती हैं। अर्थात इस स्थिति में ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को दर्पण के आगे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, किंतु यदि हम इन परावर्तित किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये एक दूसरे को दर्पण के पीछे प्रतिच्छेद करती दिखाई पड़ती हैं। यानी कि इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो सीधा होने के साथ साथ आभासी होता है और इस प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है। दोस्तों, इन दर्पणों से बनने वाली भिन्न भिन्न प्रतिबिंबों के आधार पर इनके उपयोग भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये दर्पण ध्रुव के पास रखी वस्तु का एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसके कारण इन्हें दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये प्रतिबिंब फोकस पर रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और अनंत दूरी पर बनाते हैं, जिसके कारण इन्हें विभिन्न प्रकार की लाइट जैसे कि टॉर्च या फिर गाड़ी की लाइटों में परावर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। तो आइए एक बार दोहरा लेते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो में हमने क्या सीखा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाने गोलीय दर्पण, जो संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। इसके बाद हमने देखा इन दोनों ही प्रकार के गोलीय दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन, इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति और प्रकृति को जानकर, और इसके अतिरिक्त इन दर्पणों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। इस अध्याय के अगले भाग में हम जानेंगे कुछ और विषय, दर्पण समीकरण और आवर्धन को। तब तक के लिए गुड बाय। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ सर, पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए सर, चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, मिठा लेते हैं। चलो आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिकम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी के
तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर, ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा है, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे, उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा पिंटू, आज स्कूल में क्या सीखा? आज स्कूल में क्या सीखा? पापा वो कोई नहीं, तू अपनी कॉपी ला, हम खुद ही देख लेंगे। देख लेंगे, समझ लेंगे। का देख लेंगे और का समझ लेंगे? जाइए भैंसिया को चारा देकर आइए। अरे ऐसा नहीं है, हम लोगों को अपने पिंटू के पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा हाँ। तो पिंटू को स्कूल कौन भेजता है? और अब तो पिंटू का कॉपी किताब भी हम लोग सही समय पे खरीद देते हैं। का पिंटू? हाँ। ओहो, सिर्फ स्कूल भेजना, कॉपी किताब खरीदना, ध्यान देना नहीं होता। ध्यान देने का मतलब है कि अपना पिंटू स्कूल में काका सीख रहा है, वो सब बात के जानकारी रखना। भक का मजाक करते है जी, ये हम लोग कैसे जान लेंगे? अरे सब जान लेंगे, बहुत आसान है, हम बताते हैं। ये है सही का निशान। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।